वेलकम टू ट्रैक वेसा दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी प्लस सी के बारे में और खबर सीधे आयोग से है। सचिव जी का बयान और जूनियर असिस्टेंट 2019 एजीटी एसओ एएनएम अकाउंटेंट जूनियर इंजीनियर की भर्ती के बारे में जानकारी दी जाएगी इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी जानकारी समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। तो दोस्तों, आज के दिन यूपी प्लस सी पे एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था और इसमें जो है बहुत सारे छात्र जो हैं आज धरना प्रदर्शन में गए थे। एक भर्ती का छात्र नहीं, इसमें कई भर्तियों के छात्र गए थे। इसमें गए थे एएनएम की लड़कियां भी गई हुई थीं और जूनियर असिस्टेंट के भी छात्र गए हुए थे और एएसओ के छात्र थे। इसके अलावा कुछ अकाउंटेंट के भी छात्र थे। अकाउंटेंट वालों ने भी धरना प्रदर्शन रखा हुआ था अपना, ठीक है। तो आप लोगों को बता दें कि आज काफ़ी बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन हुआ, बहुत सारे छात्र वहां पे एकत्रित हो गए थे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट 2019 के बारे में। तो जूनियर असिस्टेंट 2019 का के लिए जो बोला गया है, इसका जो रिजल्ट है वो इसी महीने में लास्ट तक मतलब 31 अगस्त तक आप लोगों का रिजल्ट, जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट जो है 2019 का ये आ जाएगा। और सचिव जी ने खुद बोला है और डायरेक्ट सचिव जी से बात हुई थी छात्रों की, और सचिव जी ने ये भी बोला अगर 31 अगस्त तक ये रिजल्ट नहीं दे पाए तो आप लोग फिर से आइए और सितंबर के फर्स्ट वीक में फिर से हमसे मुलाकात कर लेना, ठीक है। तो उन्होंने साफ साफ बोला है इसके बारे में। और बात करें एसओ के छात्रों के बारे में, एसओ के छात्र गए थे अपनी रिवाइज्ड आंसर की के लिए धरना प्रदर्शन करने। तो सचिव जी की तरफ से बोला गया कि इसमें जो ऑब्जेक्शंस हैं, जो गलत प्रश्न थे उन पे ऑब्जेक्शंस ज़्यादा मात्रा में आ गए हैं, इसीलिए इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। इसकी रिवाइज्ड आंसर की बहुत ही जल्दी जारी कर दी जाएगी। और बात करें एएनएम की भर्ती के बारे में, तो एएनएम में आप लोग जानते हैं कि ईडब्ल्यूएस में सिर्फ 3 गई है कट ऑफ, तो इसी को लेकर जो है अब ये भर्ती जो है फंस सकती है और ये भर्ती कोर्ट में जा सकती है। तो अभी तक की यही अपडेट है, आगे जो भी अपडेट होगी इस भर्ती से रिलेटेड आप लोगों को बताया जाएगा। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर की बात करें तो इसका भी रिजल्ट आप लोगों का जल्द ही देने की बात की गई है, क्योंकि सचिव जी ने बोला है कि इस महीने में ज़्यादा कोई एग्ज़ाम लगे हुए नहीं हैं, तो आराम से सभी भर्तियों के रिजल्ट पे काम होगा। जितनी पुरानी भर्तियों के एग्ज़ाम हो चुके हैं तो जल्दी से जल्दी सभी भर्तियों के रिजल्ट दिए जाएंगे। अब बात करते हैं नए आने वाले विज्ञापन के बारे में। तो जब पूछा गया छात्रों से नए पेट 2021 से नए विज्ञापन आने वाले, तो सचिव जी ने आज फिर बोला एजीटीए के छात्रों के लिए ये खुशखबरी है कि सचिव जी ने आज फिर से बोला है कि अगस्त महीने में ही लास्ट तक एजीटीए का विज्ञापन जो है जारी कर दिया जाएगा और सितंबर में इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा एजीटीए के बाद अकाउंटेंट का विज्ञापन जारी किया जाएगा। ये थोड़ा कन्फ्यूजन था कि अकाउंटेंट का विज्ञापन जारी किया जाएगा या जूनियर असिस्टेंट के जो नई भर्ती आने को है इसका विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो आज एक तरह से सचिव जी ने ही बोलकर ये क्लियर कर दिया है कि एजीटीए के बाद पेट 2021 से ही अकाउंटेंट का विज्ञापन आने वाला है, क्योंकि इसके भी कुछ छात्र गए थे धरना प्रदर्शन करने विज्ञापन की मांग करने आज ही, ठीक है। एजीटीए के छात्र पहले भी जा चुके हैं जिसके बारे में जानकारी दी थी। तो आप लोगों का एजीटीए का विज्ञापन जो है इसी महीने में आ रहा है, एक बार फिर से सचिव जी की तरफ से बोला गया है और यही जानकारी निकल के आई है। तो जितने भी एजीटीए के छात्र हैं अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, आप लोगों का विज्ञापन आने वाला है, ठीक है। तो ये हो गई आज की अपडेट, आशा करता हूँ आप लोग पूरी बात समझ गए होंगे। फिर भी कोई सवाल है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं रिप्लाई दे दूँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे न्यू अपडेट पाने के लिए। नमस्कार।